हेलो एवरीवन, यस टुडे विल स्टार्ट द सीन थ्री ऑफ द स्टोरी माय एल्डर ब्रदर। यस चिल्ड्रन, लेट स्टार्ट द रीडिंग। सीन थ्री, द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। अब रिजल्ट दोबारा आता है और क्या होता है कि मुन्ना पास हो जाता है और भैया फेल हो जाता है। भैया वॉज रियली अपसेट। अब भैया सच में ही अपसेट है। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। और मुन्ना भी बड़ा सैड हो जाता है अपने ब्रदर को अनहैप्पी देखकर, वो भी बड़ा सैड हो जाता है। भैया नाउ बिकम जेंटलर विद मुन्ना। अब भैया क्या है, वो काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन हो जाता है मुन्ना के साथ, काफ़ी जेंटल हो जाता है, मतलब बहुत आराम से बात करता है। मुन्ना बिकम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर। अब इसका फ़ायदा उठा के मुन्ना क्या करता है, बिकम नॉटियर, वो शरारती जाता है और इसके कारण वो क्या करता है, अब वो पहले से भी कम अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देता है। ना मुन्ना टॉकिंग अलाउड, तेज बोलता हुआ, आई एम लकी, मैं कितना लकी हूँ, आई कैन पास ईजिली, मैं तो आराम से पास हो सकता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे मेहनत करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स। अब मैं जो है वो गेम खेल सकता हूँ अपने दोस्तों के साथ और मैं पतंग भी उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डजेंट सी मी फ्लाइंग काइट्स। लेकिन वो अपने आप से कहते हैं कि मुझको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा ताकि जो भैया हैं वो मुझे ना देख पाएँ पतंग को उड़ाते हुए, वो मुझे ना देख पाएँ। नाउ वन डे अ काइट इज़ फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स। एक बार क्या होता है, जो काइट जब वो उड़ा रहा होता है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाती है। मुन्ना स्टार्ट रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, और मुन्ना उसको पकड़ने के लिए भागता है। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, और तभी अचानक क्या होता है, वो भैया के सामने बिल्कुल फेस टू फेस आकर खड़ा हो जाता है, दोनों आपस में टकरा जाते हैं। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, अब भैया मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए, आर नॉट यू अशेम टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे अलोन, क्या तुमको शर्म नहीं आती कि तुम सारे दिन पतंग उड़ाते रहते हो। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास, क्या तुमको समझ में नहीं आता कि अब तुम 8th क्लास में आ गए हो, अब ये क्लास में तुम छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो। इफ़ यू थिंक, अगर तुम सोचते हो दैट आई एम जस्ट वन क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कॉन्ट से एनी थिंग, यू आर रॉन्ग, कि अगर तुम सोचते हो कि मैं तुमसे अब केवल एक ही क्लास आगे हूँ एंड आई कॉन्ट से एनी थिंग और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, यू आर रॉन्ग, तो तुम गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर एंड विल ऑलवेज बी, कहते मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और वो मैं हमेशा ही रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, कहते जो समझदारी है वो केवल बुक को पढ़कर नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा को देखो, माँ इज़ नेवर गोइंग टू स्कूल, माँ कभी स्कूल नहीं गई एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th class, और बाबा ने केवल 5वीं क्लास पास की है। मुन्ना रियली भैया, इज़ दैट ट्रू, सच में भैया क्या ये सही है। भैया यस देर आर 1000 things दैट दे नो मोर देन यू और मी, वो कहता हाँ हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो कि माँ और बाबा तुमसे और मुझसे ज़्यादा जानते हैं। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, कहते यदि हम जो है पूरे संसार की स्टडी कर लें तो माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, तो माँ और बाबा को तब भी ये अधिकार है कि वो हमको कुछ भी चीज़ समझा सकें और उसको सही कर सकें। नाउ What would you do if I were to fall sick today? अब वो भैया जो है मुन्ना से पूछता है, भैया आस्क टू मुन्ना कि तुम क्या करोगे if I were to fall sick today, कि अगर मैं आज बीमार हो जाऊँ तो तुम क्या करोगे। मुन्ना आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भैया। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, कहते हैं मैं बाबा को कहूँगा और वो हॉस्टल में आ जाएंगे भागते हुए। भैया आ हा आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मुझे तुमसे इसी आंसर की उम्मीद थी। ना बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, पता है बाबा जो है वो अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, वो पहले ये ट्राई करेंगे कि गलत क्या है और उसके बाद वो डॉक्टर को कॉल करेंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली वॉट टू डू, और बाबा को अच्छे से पता है कि उनको क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुन्ना विथ टीयर इन हिज आइज, अब मुन्ना की आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। भैया आई एम सॉरी, भैया मुझे माफ़ कर दो। वॉट यू से इज ट्रू, तुमने जो भी कहा वो सब सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, और भैया क्या करता है मुन्ना को गले लगा लेता है। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, भैया कहता है मुझको भी पसंद है खेलना और पतंग को उड़ाना। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, अगर मैं खेलूंगा तो मैं तुम्हारे पे ध्यान कैसे रखूंगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम्हारा मेरा कर्तव्य हो, मतलब उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मुन्ना, क्योंकि मुन्ना इज यंगर देन भैया। तो मुन्ना आई लव यू भैया, मुन्ना कहता है भैया आई लव यू। यस द स्टोरी इज कंप्लीटेड हेयर एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी।